वोट शेयर था पिछले चुनाव से, तो हमें लगा कि हमें शायद उसमें बड़ी सफलता मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जब हमारे को फायदा ही नहीं हुआ तो हम गठबंधन किस बात का। तो बहन जी ने बाकायदा गठबंधन अभी अलग किया है, अगर भविष्य में कभी रिश्ते अच्छे रहे तो आगे भी सोचा जाएगा। क्या लग रहा है जो आनंद जी को अभी राष्ट्रीय आलोचना आप तब करो जब वो बंदा कुछ काम कर ले। अभी तो वो पद पे आए हैं, उनको काम करने दो और हम लोग उनके साथ हैं। हमें बहन जी के निर्णय पे पूरा विश्वास है। बहन जी आज से नहीं है, 42 साल का उनका अनुभव है पूरी राजनीति का, और वो बीएसपी संस्था जब नहीं बनी थी उससे पहले के मानव साहब के साथ चले 1970 से। तो आप ये मत कहिए, बहन जी का डिसीजन है, सबको मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। और आकाश या आनंद भाई जो आए हैं वो भी पार्टी के जुड़े हुए, आज से नहीं जुड़े हुए, जब से पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है तब से जुड़े हुए हैं। आकाश को नई जिम्मेदारी दी गई है युवाओं को देखते हुए, तो मैं समझता हूँ एक विश्वासी युवा है और उसको देखते हुए आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा युवाओं में। परिवारवाद से दूर है बीएसपी, लेकिन अब परिवारवाद में बहन जी का परिवार कहाँ है, वो तो उनके भाई के लड़के हैं, वो खुद उस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। बहन जी का अपना परिवार तो कोई नहीं है। बहन जी के अगर अपने बच्चे होते अपने उससे तो आप सब कह सकते हो। बहन जी ने उस आकाश को आज से नहीं कई सालों से आंदोलन से जुड़ रखा है, और तो आप ये कहिए कि उससे काम करने दीजिए, जो भी मीडिया कर्मी है, जो भी भाई बंदे बढ़ रही है पार्टी, भाई भतीजे बात की तरफ पार्टी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये देखो, ये मीडिया का काम है, मीडिया अपना काम कर रहा है। आप जितने भी मनवादी मीडिया है, जो मेन मीडिया है, वो आए दिन इस तरह की प्रोपेगेंडा तैयार करके बैठा होता है, जबकि और पार्टियों में सारे एक जगह परिवारवाद है, जातिवाद है, सब कुछ है, पर उन लोग वहाँ नहीं दिखता है। क्या संगठन में इतने बड़े बदलाव हुआ, क्या इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। रिनोवेशन जब होता है तो उसके कुछ समय बाद उसका आपको जो सौंदर्यीकरण होता है वो दिखाई देता है। तो ये रिनोवेशन हुआ है तो आपको इसका कुछ ना कुछ अच्छा सा असर देखने को मिलेगा भविष्य में। लग रहा है बीएसपी लंबे समय से कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रही है, सड़कों पर नहीं उतर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता आज भी यहाँ पर भीड़ों में आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप पार्टी के मुखिया को ही लाना चाहते हो तो बात अलग है, अगर आप मापदंड बना रखा है तो। मुझे लगता है हम सारे बीएसपी हैं, हम सारे बहन जी हैं, हमारी सारी सोच ये है कि मानवर साहब के और बहन जी के संघर्ष को आगे ले जाएं। एक व्यक्ति हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, उसी का पार्ट है। अच्छा, मायावती जी का आरोप जो अखिलेश यादव का है, आप देख सकते हैं गठबंधन के बाद मायावती जी की पार्टी को फायदा हुआ था पिछले चुनावों के मुकाबले, फिर भी उन्होंने धोखे का और उसका इसी तो का आरोप लगाया अखिलेश यादव पर, कितना सही है? देखो, उसमें बहन जी जो अपने प्रेस रिलीज में कल कहा है इसमें कोई दोहराए नहीं। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया, किसने खत्म किया? अखिलेश यादव जी ने, कोई उसमें दोहराए नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पीछे 2006 में भी वही काम किया था, तो बहन जी ने वही किया जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की थी, ऐसा अलग से कुछ नहीं बोला गया है कि बहन जी को आरोप हमला किया। यहाँ पर काफी तादाद में बीएसपी का नेता दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है जो स्टेट लेवल के बड़े नेता हैं यहाँ के, वो लोग क्यों नहीं? हाँ, मैं बताऊँ, देखो यहाँ सारे पीछे आपकी मीटिंग हुई थी वहाँ पे देवली में, पूरा प्रदेश का कार्यकारिणी गई थी, पूरी प्रदेश की हायरार्की ऊपर वाली गई थी। आज कोई 2-3 दिन से बहन जी की वहाँ मीटिंग चल रही लखनऊ में, सारे वहाँ पर व्यस्त हैं, और यहाँ पे फिर भी बहुत सारे पदाधिकारी हमारे आए हैं, तो इससे इस तरह की बातें ना करें। जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर, लोकसभा कोऑर्डिनेटर है, सचिव है, प्रदेश सचिव है हमारे, कौन नहीं है? मैं भी बीएसपी का पदाधिकारी हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि बीएसपी के पदाधिकारी मौजूद नहीं होते हैं, होता क्या है कि सबकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग बनती हैं और उसका निवारण करने के लिए सबको जिम्मेदारी दी जाती है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ इस प्रदर्शन में निभा रहे हैं। तो आप पार्टी के पद के तौर पर यहाँ पर? यस मैं भी दिल्ली का, दक्षिणी दिल्ली में जो अपना अम्बेडकर नगर विधानसभा है, मैं वहाँ का महासचिव हूँ, मैं हरपाल सिंह दिल्ली। सर, क्या लग रहा है दिल्ली में 8 महीने बाद चुनाव है, बीएसपी का रिजल्ट वही रहेगा या कुछ बदलाव होगा? देखो सर, दिल्ली का रिजल्ट बीएसपी के पक्ष में बदलेगा, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे आंदोलनों की बहुत ज़रूरत थी, इस आंदोलन से शुरू हो चुका है, सब लोग जान चुके हैं कि हमारा सिर्फ हमारे समाज का ही भला कोई आदमी कर सकता है, गैर समाज वाला आदमी दूसरे समाज वाला आदमी भला नहीं कर सकता। कपिल जी पहले बीएसपी में थे, वो उनको निकाल दिया गया, निकले गए, क्या दोबारा बीएसपी में उनका सर आना चाहिए? बहुत लोग जोड़े गए सर, बहुत लोग जोड़े गए हैं बीएसपी में, किसी के लिए रास्ता कोई बंद नहीं है, परंतु इसी कपिल जी को दोबारा मौका मिलेगा सर, वो अगर चाहे तो नो प्रॉब्लम, कहीं पे भी कभी भी आए, सबके लिए, खाली डीसी कपिल नहीं सर, सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कोई और दूसरा भाई नाराज है, सबके लिए ये योजना चल रही है। सर, इसके पीछे सच्चाई है, बीएसपी पार्टी का जो नीचे डाउन होता जा रहा है, क्या लग रहा है कार्यकर्ता या पदाधिकारियों में अभी आज की कमी है या
कमी हो रही है, कोऑर्डिनेशन से सर सत्य बात बोलने से अपने ही लोग खफा हो जाएंगे, मैं इसलिए इस बात से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहूँगा। आंदोलन की कमी है क्या? कमी क्या है? देखो सर, किसी भी आंदोलन के पीछे, और बीएसपी एक पार्टी नहीं है, ये सबसे पहली बात मैं बता दूँ आपको, बीएसपी पार्टी नहीं है, बीएसपी एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है। और सर चलती दिखाई नहीं देती है, वो तुम्हारी नज़र से है, लेकिन इस बात के पीछे भी दो राय नहीं है कि जब भी निजी स्वार्थ जिस व्यक्ति के ऊपर हावी होगा, उस निजी स्वार्थ के चलते बाबा साहेब की भी कोई कीमत नहीं मानेंगे लोग। तो नहीं, बहन जी की तरफ मेरा कोई इशारा नहीं है, निजी स्वार्थ वाले लोग तो हमारे अपने बीचों में बहुत सारे मजबूत मौजूद हैं, उनको समय समय पे हम पहचानते हैं, लेकिन वो भी हमारा भाई है, उसको समझाने के लिए लगे रहते हैं 24 घंटे। बहुत बड़ी डिमांड है कि जब बहन जी का बर्थडे होता है, कुछ होता है, चंदा उठाने आ जाते हैं लोग, लेकिन कभी समाज की दशा दिशा को देखने नहीं आते या वोट मांगने आते हैं बीएसपी के कार्यकर्ता। ये बहुत बड़ी जनता की डिमांड है। बताता हूँ, ये वही लोग शिकायत ऐसा कर रहे हैं जो लोग पार्टी में काम नहीं कर रहे हैं, क्या पार्टी के काम नहीं कर रहे हैं। ये जो केजरीवाल की सरकारें बनाई जा रही दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार बनाई जा रही है, वही लोग सवाल करते हैं जो उन सरकारों में जाके मलाई खा रहे हैं। तो चमचों की बात ना की जाए, बहन जी की नीतियाँ और केक और जन्मदिन की बात करें तो बहन जी का ये उद्देश्य नहीं है कि पैसा लिया जाए। बहन जी का उद्देश्य ये है कि हम लोग, हमारा सभी का है कि भाई हमारी जो महापुरुष है उसका जन्मदिन हम जो जिंदा रहते हैं मना रहे हैं, सेलिब्रेशन है, सभी लोग करते हैं, उसमें पार्टी का या किसी राजनीतिक नहीं होता, बहन जी का कोई आदेश नहीं होता। हम अपने दिल से उनको आदर करते हैं, हम उनका आदर करते हैं और हम मनाते हैं, खुद अपने पैसों से मनाते हैं, चाहे 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 2 रुपए दे और 100 रुपए दे और 10,000 रुपए भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग आलोचना करते हैं, सर आलोचना कहाँ नहीं होती, मेरी आलोचना मेरे बच्चे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हो सकता है वो सही हो वो गलत हो, मैं नहीं कहता, पर मैं आलोचनाओं पर नहीं जाता हूँ। बहुजन आंदोलन सर ये हारी हुई नहीं, भाग नहीं सकते, लेकिन सच्चाई वो लोग इस शब्द को वो लोग जो हार चुके हैं इस जिंदगी में, वो ऐसा मानते हैं कि इस बहुजन आंदोलन पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है। जो भी जिम्मेदारी लेगा बहुजन आंदोलन की, वो मरते दम तक, जब तक जिंदा है, वो आंदोलनों के सामने, आंदोलनों में शिरकत करेगा और आगे रहेगा। जय भीम सर, जय भीम।